अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट गॉशर स्टोन एंड जेड रोलर क्या है एंड इसको किस तरह से यूज करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगी। मेक श्योर कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्कीप नहीं करना है। एंड मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल कॉन्टेंट आते रहते हैं। एंड जो भी आज आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा जेड रोलर एंड गॉशर स्टोन के बारे में, तो आज सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एंड इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। सो देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग और इसको देख लीजिए। ये जेड रोलर है एंड ये गॉशर स्टोन है एंड इसके अंदर इसकी पैकेजिंग होती है, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर ओपन कर लिया था। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे करें, हमारा रूम अच्छा खासा ठंडा है तो हम लोग इसको बिल्कुल भी पानी में डिप नहीं करेंगे, बट अगर हमारा रूम टेम्परेचर है तो हम लोग इसको पानी में अच्छे खासे कोल्ड वाटर में इसको डिप करके रखेंगे 5 मिनट। सो जब तक हम लोग इसके बारे में डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी स्किन के अंदर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लाएगा, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि इसको डेली बेसिस पर यूज करना है। श्योर? उसके बाद हमारी जो ये फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर करेगा एंड हमारे फेस के अंदर बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा एंड हमारी जो ये सारी फाइन लाइंस हमारी खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली आप लोग 15 दिन इसको बिना स्किप किए यूज करके देखें एंड इससे मसाज किस तरह से करनी वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, बट इसको यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होने दे, बिकॉज मेरे घर में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जैसे कि आप लोग मेरी स्किन पर देख सकते हैं। मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, इसमें बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, सो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। देखिए अब इसको यूज कैसे करना है। मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको ऐसे डायरेक्टली अपने फेस पर यूज नहीं करना है, कोई हमारा मॉइस्चराइजर होगा या हम डेली बेसिस पर सीरम अप्लाई करते हैं या कोई जेल वगैरह कुछ भी हम लोग जो भी अप्लाई करते हैं उसको हम लोग रात में अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है बॉम का जेल, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा अच्छा वाला जेल है, बहुत पसंद है मुझे, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है हाइड्रा का बॉम जेल। तो इसको मैं कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, डेली तो नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए। देखिए इसको हम लोग अपने फिंगर पर इस तरह से लेंगे एंड ऐसे करेंगे, स्प्रेड करेंगे एंड इसको हम लोग अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम लोग इससे मसाज करेंगे। अब मैं आप लोगों को पूरी मसाज करके दिखाऊंगी, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। देखिए ये हार्ट शेप है, ये हमारी जॉय लाइन के लिए है। मैं आप लोगों को साथ ही साथ सब कुछ करके दिखाती हूँ, ओके? इसको अच्छी तरह से इस तरह से स्ट्रेच करेंगे स्किन पर एंड यहाँ पर जाएंगे 1 2 3। इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, फ्लैट करना है, इस तरह से फ्लैट करना है एंड इसको पकड़ने का होल्ड करने का देखो जो तरीका है वो देख लीजिए, ये वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। देखिए इसको अच्छी तरह से ऐसे करेंगे एंड यहाँ पर प्रेशर पॉइंट देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को फेस पर भी पेन होता है, मुझे भी कभी कभी होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रेशर पॉइंट लेना चाहिए। नेक्स्ट ये जॉय लाइन का होने के बाद नेक्स्ट हम लोग इसी वाले एरिया से यहाँ पर करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे माउथ के अराउंड, देखिए यहाँ जॉय लाइन के ऊपर 3 टाइम 1 2 3। बिल्कुल इसका इस तरह से रखना, आप लोग देख सकते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे इस वाली साइड से, ये जो दिख रही है हार्ट शेप वाली, इस वाली साइड से हमारी चीक बोन पर अच्छी तरह से नोज को इस तरह से स्ट्रेच करना है एंड यहाँ पर एंड करना है एंड थोड़ा हल्का सा प्रेशर पॉइंट देना है इस तरह से।
देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स इसे करने के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट इस तरह से हम लोग अपने आईज एरिया को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पर हल्का सा स्ट्रेच करेंगे एंड यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इससे हमारा डार्क सर्कल बहुत हद तक कम हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुझे डार्क सर्कल की बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं कुछ करती नहीं हूँ इसलिए ये ख़त्म नहीं होती, बट अब मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग देख सकते हैं कितना मेरा फेस शाइनिंग दिख रहा है एक साइड का, ऐसे करेंगे इसको अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड जहाँ जब हम लोग इसको ठंडे पानी में रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसके जो सारे फायदे हैं ना वो हमारे हमारे फेस पर मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फॉरहेड पर करेंगे मसाज एंड ये इसी वाली साइड से करेंगे, यही साइड से एंड इसको इस तरह से रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पर तो मैंने कर लिया लाइक दिस, यहाँ पर स्ट्रेच प्रेशर पॉइंट देंगे। अब मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को, अब ये ऑफ कैमरा मैं कर लूंगी बट आप लोगों को वाजे नजर आ रहा है, पर देखिए ये वाली साइड देखिए एंड ये वाली साइड देखिए, दिख रहा है आप लोगों को इतना फेस। यहाँ पर तो थोड़ा मेरा ब्लैक हो चुका है और आईज के अराउंड एंड या इतना फेस देख लीजिए, इतने पे आपको समझ में आएगा, देखिए इतना ऑफ कैमरा कर लिया। सो फ्रेंड्स इसका जो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग ने न्यूली इसको बाय किया एंड करना है तो एक हफ्ता हम लोग इसको सिर्फ 3 टाइम करेंगे, जैसा कि लाइक दिस, इस तरह से 1, 2 एंड 3 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3 यहाँ पर अच्छी तरह से पकड़ना भी है यहाँ फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 1, 2, 3 एक हफ्ता हम लोग 3 टाइम करेंगे, दूसरे हफ्ते में 5 टाइम करेंगे एंड ऐसा करते करते हम लोग इसकी स्टेप्स बढ़ा सकते हैं एंड ये जो हार्ट शेप है इससे ही हम लोग नोज पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग इससे अपने नेक पर भी मसाज कर सकते हैं लाइक दिस, ऊपर की तरफ लाना है स्किन को, देखिए ऐसे। अभी मैं आप लोगों को दूसरे मेरे जो क्लाइंट आते हैं ना उन लोग के ऊपर भी करके दिखाऊंगी एंड इसको ना आप लोग दिन में 2 टाइम कर सकते हैं, एक सोने से पहले कर लीजिए एंड एक दिन के टाइम में कभी।